इंसान से शर्म हया, इस्मत व इफ्फत, इसके सारे तसव्वुरात को खत्म कर दिया जाए, इंसान को हैवान बना दिया जाए। एक कुत्ते को शहवत है, जो कुतिया मिल जाए, चाहे उसकी मां हो चाहे उसकी बेटी हो, उससे उसको इस्तेफादा कर लेगा। ये इंसानों ने क्या कदरें लगा रखी है, मां बेटी बहन बीवी, क्या फर्क है, औरत है, वो भी औरत है, ये भी औरत है। और खानदानी निजाम की जड़ें खोद डाली जाए, गोया के इंसान हैवान बन जाए। और ये नोट कर लीजिए प्लीज कि यहूद की जो एक तो किताब है तौरात, एक है तालमूद, तालमूद उनकी फिका की किताब है। तालमूद की तालीम यह है कि ये बाकी जितने इंसान हैं, असल इंसान तो सिर्फ हम यहूदी हैं, ये बाकी जितने इंसान हैं गोयम्स, और इनके लिए दूसरा लफ्ज है जेंटाइल्स, ये असल में इंसान नुमा हैवान है, इंसान नुमा हैवान। और जबकि इंसान का हक है हैवान को इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना, घोड़े को तांगे में बग्गी में बांधते हैं कि नहीं, और बैल को आप अपने हल में जोतते हैं, इसी तरह हमारा हक है तमाम इंसानों को उनका खून चूसना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, उन्हें इस्तेमाल करना। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें वाकईतन हैवान बना दिया जाए, इंसानी अकदार उनसे छीन लिए जाए। हैवान बनेंगे तो फिर काम करेंगे हमारी मर्जी के मुताबिक। ये इंतकाम ये लोग यूरोप से और अमेरिका से ईसाइयों से भरपूर तरीके पर ले चुके हैं। शर्म और हया नाम की कोई शय नहीं, इसमें तो इफ्फत का कोई हिसाब नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। और गवाहियां क्या है, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था 2 साल पहले या 3 साल पहले, वो जो उनकी एनुअल स्पीच होती है स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, उसने कहा था अनकरीब हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। ये हरामजादे का लफ्ज मैंने तर्जुमा किया है बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक। एक तो होता है एक मर्द और औरत का की शादी हुई है, निकाह हुआ है, फेरे पड़े, कुछ भी हुआ है, लेकिन ऐलानिया तौर पर वो अब शौहर और बीवी की हैसियत से है, तो उनकी औलाद हो रही है, जायज औलाद है। एक बगैर शादी के औलाद हो रही है तो ये हरामी है, हरामजादे हैं। उन्हें कहा कि हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल है, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस, गेज, और बिल्कुल डिक्लेयर करते हैं, पादरी डिक्लेयर करता मैं गे हूं, सेनेटर डिक्लेयर करता मैं गे हूं, उन्हें कोई शर्म ही नहीं, इसके अंदर कोई हिजाब नहीं, इतराफ करने के अंदर कहीं भी किसी तरह की रुकावट नहीं, हिचकिचाहट ही नहीं। जिनसी लज्जत हर तरीके से हासिल की जा सकती, जिना बिल रजा हो तो कोई जुर्म है ही नहीं, हां जिना बिल जबर हो तो जुर्म है। कि ये मगरिब यहूदियों की साजिश के तहत और अमरीका की अजीम कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए, सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, आज ये हमारे गिर्द घेरा तंग करते चले आ रहे हैं कि हमारा माशरती निजाम भी तलपट हो जाए, दरहम बरहम हो जाए, हमारी अकदार भी खत्म हो जाए, हमारे यहां भी औरत मर्द बिल्कुल बराबर होने के मुद्दई होकर मैदान में आ जाए, औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, मर्दों की शादियां हो जाए कि एक मर्द शौहर और एक मर्द बीवी, और रजिस्टर्ड हो जाए शादी, लेस्बियंस की शादियां हो जाए कि एक औरत शौहर एक औरत बीवी और रजिस्टर्ड हो जाए शादी। ये सारा काम नातिल अर्द नन को सुहा मिल अतराफिहा, उसकी मिसाल क्या है कि पहले इस प्रोग्राम के तहत 1994 में कॉन्फ्रेंस हुई काहिरा में, अरब वर्ल्ड का वो मरकज है, दूसरी एक साल के बाद कॉन्फ्रेंस कर दी बेजिंग में, और उसके बाद बेजिंग प्लस 5 कॉन्फ्रेंस हुई है। नाम उसका क्या था कॉन्फ्रेंस का, वीमेन 2000, जेंडर इक्वेलिटी, डेवलपमेंट एंड पीस फॉर दी 21st सेंचुरी। प्रेपरेटरी डॉक्यूमेंट में नंबर 1, होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन करार दिया जाए, कोई जुर्म नहीं है, मर्द मर्द से शहवत नानी करे। अमले कौमे लूत, एक शख्स जो है औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, एक मर्द से करना चाहता है, तुम्हें क्या एतराज है। नंबर 3, औरतें घर का काम काज करने से इनकार कर दे,
या उस पर वेज तलब करे, मजदूरी दो हमें, मेहनत दो तब हम काम करेंगे। ये चूल्हा झोंकना, ये रोटी पकाना, बर्तन धोना, ये इसके लिए हमें उजरत चाहिए, लेबर चाहिए। नंबर चार, औरत हमल और वज़े हमल की जो तकलीफ बर्दाश्त करे उस पर भी शौहर से उजरत ले। नंबर पांच, अगर किसी वक्त किसी औरत की तबीयत आमादा ना हो हम बिस्तरी के लिए और शौहर मजबूर करे तो इसे मैरिटल रेप करार दिया जाए, यह जिना बिलजबर होगा जिसकी सजा दी गई, शौहर और बीवी का मामला है। नंबर छह, प्रोस्टिट्यूशन को एक बाइज्जत पेशा माना जाए और उनको प्रोस्टिट्यूट्स ना कहा जाए बल्कि सेक्स वर्कर्स, सेक्सुअल वर्कर्स। सात, विरासत और तलाक में बिल्कुल बराबरी, कोई फर्क नहीं। अब यह खास चीज तो मालूम होता है कि इस्लाम ही को हदफ बनाकर इन्होंने एजेंडे में शामिल किया। अगर शौहर और बीवी के दरमियान एतमाद ना हो, शौहर को यह यकीन ना हो कि मैं जब बाहर जाता हूं मेरी बीवी क्या करती है, और बीवियों को यह यकीन ना हो कि मेरा शौहर जब बाहर जाता है तो क्या करता है, अगर बदएतमादी हो जाए, अगर शौहर की निगाह में कोई और औरत जो है वो आ गई है, खुब गई है, अब उसकी तवज्जो अपनी बीवी पर से हट जाए, उसे ख्वाब में वही आएगी, ये बॉन्ड ऑफ लव कमजोर हो गया। अगर बाप को ये यकीन ना हो कि ये औलाद मेरी ही है तो वो खानदान का इदारा धराने पड़ गई। लिहाजा इस खानदान के इदारे को मजबूत रखने के लिए सबसे अहम काम क्या है कि जितनी भी सेक्सुअल अट्रैक्शन है ये दो सिंफों में मर्द और औरत, ये सेंटर्ड रहे, मरकूज रहे शौहर और बीवी के दरमियान, इंतशार ना हो, निगाह इधर से उधर ना जाए बल्कि उनकी पूरी तवज्जो, आपस में एतमाद हो, आपस में मोहब्बत हो।